Manik standing. खुशी तो बहुत है क्योंकि थैंक्स मॉम जैसी एक सेंसिटिव फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है. तो आई वुड लाइक टू पे होमेज एंड ट्रिब्यूट टू ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड एंड थैंक यू इफ्टा भेरू जैन एंड मिस निधि फॉर बिस्टोइंग दिस ऑनर टू द फिल्म एंड टू द ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी एंड द ज्यूरी मेंबर्स ऑल्सो. And I would like to introduce my mother, as in the film's mother, the mother who actually played the character, Praveena Deshpande ji. Please come. And our director, Manik Talwar. So she played the mother's role in the film, and she did an excellent job. So thank you so much, everybody, for giving this honor to Thanks Mom. ये फिल्म मेरे लिए बहुत मायने रखती है. एक तो सबसे पहली बात कि टॉपिक एक सेंसिटिव था, आई लाइक द होल थिंग. और सेकेंडली जो मतलब एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ऐसे लेयर दिखाई है. टिपिकल मदर सन नहीं है, गुडी गुडी टाइप्स. तो वो जो लेयर है उसने शायद मुझे अट्रैक्ट किया. और तीसरी बात ये है कि जैसे वो मॉम की कंडीशन दिखाई है, तो एग्जैक्टली मैं उसी कंडीशन में थी और मुझे अचानक से इसने फ़ोन किया. तो मुझे लगा ये भी कहीं शायद एक जैसे डिवाइन इंटरवेंशन बोलते हैं ना, कि कहीं ऊपर से कह रहा है कि कर लो, ज़रा खुद को पुश करो और बस कर लो. तो इसलिए मेरे लिए बहुत मायने रखता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. सो एक्चुअली जब भी आप नॉमिनेट होते हो किसी भी कैटेगरी में फॉर एन अवार्ड, तो इट्स एन ऑलवेज स्पेशल फीलिंग, क्योंकि आपको एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मिलता है. सो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड. एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है जो मेरा आ रहा है और एक दो महीने में, मैं बात नहीं कर सकता उस बारे में, बट बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है एंड आई थिंक आप लोग सब लोग को आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने में. हाँ, दो चीज़ है, एक वेब शो है और एक बहुत बड़ा म्यूजिक वीडियो. तो ये दोनों चीज़ दो महीने में आएगी. सो या फिलहाल मेरे दोस्त हैं बिग बॉस OTT में, तो मैं काफ़ी थोड़ा थोड़ा बीच 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 में से देख रहा हूँ. मैं आशिका है, मनीषा है, अभिषेक, एलविश. तो आशिका और मनीषा तो मेरे दोस्त हैं बाकी, बट वो चारों का ग्रुप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो या बिग बॉस, बिल्कुल बिल्कुल, बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी दोनों अच्छा है. तो या थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय बाय. यहाँ से थैंक यू. सो
दिस इज़ लिटिल स्पेशल क्योंकि मुझे बेस्ट डीजे अवार्ड्स बहुत मिल चुके हैं बट बेस्ट सेलिब्रिटी डीजे फर्स्ट टाइम मिला है और आई वुड गिव द होल क्रेडिट दिस टू माय वेरी क्लोज फ्रेंड अंकिता लोखंडे बिकॉज शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी एंड अगर वो नहीं होती वो मुझे अपनी पार्टीज में प्ले करने का चांस नहीं देती तो आई वुडंट बी अ सेलिब्रिटी डीजे सो दिस इज लिटल स्पेशल और निविदा मैम से तीसरी बार अवार्ड मिला है तो और ज़्यादा स्पेशल हो गया है. मैं तो शोज़ कर ही रही हूँ, मैं अभी कल भी शो कर रही हूँ जयपुर में, मेरे तो रेगुलर शोज चालू ही रहते हैं. थैंक यू. वैसे तो बेस्ट कॉमेडी एक्टर का अवार्ड मिला है बट आई एम फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड और हर किस्म के किरदार मैंने किए हैं. जिस किरदार के लिए मुझे अवार्ड मिला है वो कॉमेडी था बट मैंने ग्रे शेड भी किए हैं, मैंने विलेन भी किए हैं काफ़ी सारे कैरेक्टर्स बट मेनली कॉमेडी इज़ माई जॉनर. सो या इट्स फॉर कॉमेडी एंड ये अवार्ड मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे फादर को जो अभी है नहीं बट इज़ देयर टू ब्लेस मी and my guru Shri Shri Ravi Shankar ji and also I wanted to dedicate this award to my mother, my wife who is besides you. So yeah, thank you so much. God bless you. God bless you. Take care. Thank you. मिस्टर इंडिया भी ये होगा, ये जब लाल आएगा तब अभी मिस्टर तो मेरा वाला मिस्टर इंडिया पिंक है. रख दो इधर. नहीं ना, बहुत एक्चुअली बहुत अच्छा सुंदर अवार्ड है. रियली आई एम सो हैप्पी. Presented to Karanveer Bohra, best negative lead for Hum Rahe Na Rahe Hum. Thank you so much, man. Really, बहुत बहुत अच्छा लगता है. I think ये तीसरी सीरियल है जिसमें नेगेटिव का लीड का अवार्ड मिल रहा है मुझे. एक तो कसौटी जिंदगी की था, एक सौभाग्यवती भवा और हम रहे ना रहे इज़ माई थर्ड सीरियल विच आई गॉट फॉर बेस्ट नेगेटिव. रियली रियली हैप्पी. ये शो बहुत ही कमाल का शो है. इट्स अ रीमेक ऑफ अ टर्किश शो, लेकिन ऑफकोर्स हमें इंडियनाइज करना पड़ता है. हमारे जो सेंसिबिलिटीज़ है, हमारे जो ड्रामा हम इंडियंस चाहते हैं उस तरह से खेलते हैं. तो जैसे कि टीना है इसमें, जय कीटू गिडवानी जी, इट्स एंड नाउ इवन अनीता हसनंदानी इज कमिंग. सो इट्स अ लॉट ऑफ फन बिकॉज ऐसा लग रहा है कि एक घर छोड़कर हम दूसरे घर में जा रहे हैं पार्टी करने के लिए. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो, दैट यू हैव फैमिली विद यू. यार मुझे ऐसे लगता है कि मैं नहीं, मुझे इसी के लिए बनाया गया और मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई एंजॉय प्लेइंग द विलन रोल स्पेशली ऑन टेलीविजन क्योंकि खेलने के लिए बहुत मिलता है. अभी मैं फिलहाल खतरों के खिलाड़ी फॉलो कर रहा हूँ. आई रियली लाइक दैट शो. वो मेरे फेवरेट रहा बिकॉज मैंने भी जो खतरों के खिलाड़ी किया था एंड आई हैव डन मोस्टली ऑल द रियलिटी शोज बट दिस इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट शोज. अगर कोई भी मेरे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार ये करना चाहिए, बोला आँख बंद करके कर लो. इज दैट गुड? थैंक यू सो मच. ऐसा है क्या?
मुझे बेस्ट इमर्जिंग एक्ट्रेस के लिए मिला है फॉर आशिकाना सीजन 3 एंड बहुत अच्छा लग रहा है जब आपको अपने काम के लिए सराहना मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है. सो या इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. सॉरी बहुत खुश हूँ कि सारे फैंस को इतना अच्छा लगा एंड आई जस्ट होप कि और भी सीजन्स आए, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 और इतना ही सबको पसंद आए. अभी तो फिलहाल मैं आशिकाना ही कर रही हूँ लेकिन अगर टाइम मिलता है तो ऑब्वियसली और भी प्रोजेक्ट्स करेंगे एंड आई होप वो सारे प्रोजेक्ट्स भी लोगों को उतने ही पसंद आए. जी रियलिटी शो आई थिंक आई मीन आई लव डांसिंग तो डांस रियलिटी शो फॉर श्योर और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज आई थिंक डांस रियलिटी शो आई वुड लव टू. जी क्योंकि मैं बचपन में भी मैं डांस रियलिटी शो में गई हूँ. थैंक यू मेस्मराइजिंग अवार्ड का कैटेगरी भी ऐसा है कि फंबल हो जाता है. मोस्ट मेस्मराइजिंग सेलिब्रिटी मेस्मराइजिंग सॉरी इस बार फॉलो नहीं कर पाई क्योंकि शादी को लेके मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी. अभी शादी करके वापस आई तो ऑब्वियसली वो लेके बिजी थी तो फॉलो नहीं कर पाई. गेम तो सभी लोग अच्छे खेल रहे हैं, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट गेम है बट आई वॉन्ट शिव टू विन तो ऑब्वियसली वो जीतेगा. थैंक यू अंजलि सॉरी
see you again. It's a beautiful feeling, as you know. It feels really special when you're honored for your talent, so I'm really thankful and grateful. We got to that you come from a mock show, so what are the plans you're having? Plan is to do better work and more hard work and be more passionate about what I do. What about this week? You have a launch. I have a launch? Well, I don't know about it. Tell me about it. You know it already. No, it's about nothing. Kaunsa launch? Song launch is done already. Yeah. No, nothing much this week. Yeah. Nothing. Yeah. Thank you. Go. First of all, Iftar and obviously the team behind it, Parul Chawla and their team, thank you for giving it to me. Best host when it comes to events, radio, television and YouTube. Bahut maine rakhta hai. Ye bahut respected award show hai. Puri duniya prarthna karti hai ki yaar ye award mujhe milna chahiye aur mujhe mil gaya hai. Because I believe ki insaan ko nidar rehna chahiye, fearless rehna chahiye. Jo bhi wo kare, aisa kare ki log bole ki inhone boundaries todi hui hai. And wohi maine koshish ki hai, crossing 400 million views on YouTube, 1.3 million subscribers, and Bollywood supporter, politicians, corporate icons, sab aaye mere show par. But to do hosting on events, radio, television, YouTube, all these platforms, because you've got to reinvent yourself every step of the way, jo maine kiya hua hai. So thank you so much. Iftar, I love you. First of all, I would like to thank all the media जिन्होंने हमें इतना साथ दिया. मैं founder organizer इफ्ता का और मिस हिंदी समाजपति. बेसिकली अवार्ड शो काफ़ी हो रहे हैं. हमारा एक मेन मोटिव था अवार्ड शो के नाम से बिजनेसमैन, सोशल वर्कर सबको अवार्ड दिया जा रहा है. सो जो इंडस्ट्री के जो कैटेगरी उसको हमें थोड़ा चेंज करना है, तो ये हिसाब से हमने सेकेंड एडिशन किया सबके आशीर्वाद से. और आगे भी बहुत कुछ प्लान है इसको. ये ब्रांड हम इंटरनेशनल में करने वाले, नेक्स्ट टाइम इसे हम दुबई में लेकर जाने वाले. और हमारे साथ हमारी पूरी टीम ने हमें सहयोग दिया है. हमारे स्पॉन्सर्स SBI लाइफ ट्रॉफी पार्टनर एंड NJC हमारे एसोसिएट पार्टनर, महाकाली आर्ट्स हमारे पावर, और हमारे टीम मेंबर्स उत्तम बंसाली जी, कौन उनका अपना, खुशी वर्मा जी, चेतन शाह जी, इन सब ने हमें बहुत सहयोग दिया हुआ है. इन सहयोग से आज हम ये सक्सेसफुल इवेंट कर चुके हैं. थैंक यू सो मच. पारुल मैम है वो बहुत ही ग्रेट है और बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करती है वो, तो उन्होंने सारा वर्क किया है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारे हमारे जो फैशन के जो क्वीन है उन लोगों को अच्छे से क्राउन वगैरह दिया, और अवार्ड जो है जिनको भी देना है सबको अच्छे से उन्होंने मैनेजमेंट किया है. सो उनको तो थैंक यू. या डेफिनेटली बेसिकली जो ब्रांड है मेरा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविजन अवार्ड्स, हम इसके साथ इंटरनेशनल आर्टिस्ट है उनको भी हम फेलिशेट करने वाले. नेक्स्ट इवेंट मेरा दुबई में होने वाला है, डेट अनाउंस अभी जल्दी करूंगा. और बस आप सभी के आशीर्वाद से हम बहुत सक्सेसफुल करेंगे. थैंक यू सो मच मैम.
थैंक यू, थैंक यू सो मच। और सबका डिनर कूपन आ गया, खाना खा के जाइएगा। कैटेगरी आई थिंक बेस्ट परफॉर्मर, ऑलवेज थैंकफुल एंड ऑलवेज ब्लेस्ड जब भी इस तरह की एंकरेजमेंट मिलती है, सो आई फील ब्लेस्ड। नहीं खतरों के खिलाड़ी हाँ फॉलो करता हूँ बिकॉज अंजुम फाकी। थैंक यू, थैंक यू। कॉमन आंसर पर इधर सो ठीक है, पीछे प्लीज क्या मैं दिल से उसको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ, अच्छा खेले और फाइनल्स तक तो जरूर पहुँचे, और आप आज बहुत अच्छे दिख रहे हो, इस तरफ इस तरफ। बाप रे बताती हूँ मैं, रुकिए मैम अभी हो गया ना, गोवा है ना हमें, हम लोग को गोवा है, गोवा ये चलेगा सबसे, गोवा में अच्छा भी है ना, बीच है, पार्टी करेंगे, पार्टी होंगे, सब बुराई भी है नहीं यहाँ पे चलो 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 आइए आइए। आई थिंक कोई भी अवार्ड छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका का सेकेंड सीजन है या इनफैक्ट हमने अतरंगी में फर्स्ट सीजन भी उनका करा था स्पॉन्सर, और इस बार भी हम लोग उनके सैटेलाइट पार्टनर हैं, सो इट्स ऑलवेज गुड कि आपका क्रिएटिविटी रिकग्नाइज करा जा रहा है, एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड, थैंक यू। बहुत गोरा चिट्टा है, उसने अपना चिपक चिपक के फोटो भी खींचा, उसको नहीं पता गोरा चिट्टा है, बिग बॉस में आए थे ना, क्या बात है, वही है क्या, वही है फाइनल। चलो आजा अर्चना जी।